मेरा दोस्त, अरे बासित, अरे मेरा दोस्त, क्यों छोड़ के चले गए हमें? आराम से रख दो इसे, आराम से रखो। याले तुम भी तो रो ना। मुझे ये ड्रामे करना नहीं आते। हालात को समझने की कोशिश करो, सब देख रहे हैं। पर मुझे रोना आ नहीं रहा तो क्या करूं? यार दौरान मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। इस आदमी के साथ मेरे ताल्लुकात कभी ठीक नहीं रहे और आज ये हमें छोड़ के चला गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। संभालो हमने आपको जमीन, सब्र रखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। उठाओ उठाओ, आराम से उठा, आराम से, आराम से। फिजा साहबा कहाँ है? वो नहीं आई? हाय फिजा, आपा की तो बहुत ही तबीयत खराब है, उन्हें तो होश तक नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिम्मत दे ये सब कुछ सहने के लिए। या अल्लाह सब्र देना उस बच्ची को, सब्र देना। उसका शोहर बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, चला गया। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। इतनी छोटी सी उम्र में वो बेवा हो गई। या अल्लाह उसे सब्र दे। अरे 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 अरे, संभाले 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 खुद को। यार इतना ड्रामा भी अच्छा नहीं होता। हम उस इंसान के जनाजे पर हैं जो मरा ही नहीं है। याले खामोश हो जाओ, चुप चुप हो जाओ। रोने की बात कर रही हूँ, मुझे हंसी आने वाली है किसी भी वक्त। याले कैसी बातें कर रही हो, चुप रहो। इधर आओ जल्दी। जानता हूँ मैं ये जाली जनाजा है, लेकिन मेरा दिल अंदर से रो रहा है, क्या करूँ? हाय फकरी भाई, प्लीज चुप कर जाएं आप, वरना मेरी तो हंसी निकल जाएगी। अरे वो याले, कुछ तो बुरा हुआ होगा ना आपकी लाइफ में, उसे सोचें शायद आपको रोना आ जाए। लेकिन मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, मैं क्या सोचूं? अरे फकरी, इनमें से तो किसी को भी एक्टिंग करनी नहीं आती। अगर हम लोग सही से नहीं रोए तो इन्हें शक हो जाएगा। चलो रो जल्दी। हमारी होने वाली बहू आ गई, देखो तो उसे रोना आता है, बहुत चला। हाँ ठीक है मिस्टर फखरी, मैं तो रो लूंगी, लेकिन आप क्यों नहीं रो रहे हैं? रो तो रहे हैं, दिखाई नहीं देता, कितनी कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए रोने की। बहुत अच्छा था यार, बासित बिल्कुल मेरे भाइयों जैसा था, ना जाने क्या बात खा गई उसे। हाँ दौरान, क्या तुम भी रो रहे हो? कैसे कर रहे हो ये सब? रोना शुरू कर दो तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यार जाली उसका एक्स हस्बैंड था, वो भी यहाँ आएगी। चलो रो जल्दी। लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ? ठीक है तो फिर मेरी तरफ मुँह कर लो। रो यार जल्दी, रो, लोग देख रहे हैं तुम्हें। मत। हाँ मैं इस औरत को शायद जानती हूँ, कौन है ये? हाँ तुम इसे जानती हो, ये तुम्हारे फादर की फ्रेंड है। यही वो मनहूस औरत है जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वाकई? हाँ। अरे फखरी देखो, इन्हें तो रोना भी नहीं आता, कुछ करना होगा हमें। तो अब जबकि तुम लोगों को रोना नहीं आता तो फिर वो करो जो तुम लोगों को आता है। क्या मतलब? किस चीज की बात कर रहे हैं? मुझे क्या करना होता है फखरी भाई? जाओ जाकर उस औरत पर हमला कर दो। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल जाओ जाकर हमला कर दो उस औरत पर। तुरंत भी मैं तो जाके कर रही हूँ फिर। चलो ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे बात सुनो, कहाँ जा रही हो? याले ऐसा मत करो यार, इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ कैसे आ सकती हो बताओ मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर आने की? यार क्या तरीका है बात करने का? शिराज मेरे बेटे का बाप था, तुम लोग क्या लगते हो उसके? बात तो सुनो जरा इस औरत की। हाँ यही है वो औरत जिसकी वजह से बासत की मौत हुई, तुम हो कसूरवार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बोलो ताकि सब लोग सुन ले। ये मक्कार औरत, इसकी वजह से मेरी दोस्त शादी के पहले ही दिन बेवा हो गई है, सिर्फ इसकी वजह से। आज फिजा आपा की जो हालत है उसकी भी जिम्मेदार तुम ही हो। जबान संभाल के बात करो। हाँ तुम लोग रुको जरा, मैं बताती हूँ इस औरत को। कोई चीज नहीं है तुम लोगों में, जाहिल कहीं के बेहतर होगा। हाँ, चली जाओ, वैसे ही जा रही हूँ मैं, तुम जैसे चली जाओ, नहीं कहना चाहिए था। थू, दफा हो जाओ यहाँ से। चली जाओ और कभी वापस मत आना हमारे सामने, कभी मत आना हमारे सामने, दफा हो जाओ। मुझे ये औरत, दफा। अरे बस ठीक है भाभी, जाने दें। वैसी औरत मत दिखाना दोबारा। आई बड़ी